तो इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चलेंगी क्लासेस, ठीक है? आप मजे आएंगे, मशीन के एक्सपेरिमेंट तो अलग ही होते हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हैं मेरे पास, मेरी ट्रांस उमर पर हम लोग देखेंगे, उसके बाद डी सी मशीन हैं उन पर भी एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत सारे, उसके बाद सिंक्रोनस इंडक्शन, ठीक है, इन सब पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? आराम से जाना चलिए। देख तो मतलब सिंक्रोनस पे इंटरेस्टिंग रहेंगे एक्सपेरिमेंट, जहां तक मेरा पर्सनल मैं जरा देखता हूँ, मैं मुझे बड़े मजे आते हैं सिंक्रोनस पे एक्सपेरिमेंट करने लाइन। बाकी ट्रांसफॉर्मर पे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, थ्री फेज हमारे पास है, थ्री फेज पे हम देखेंगे, सिंगल फेज पे देखेंगे। बिकॉज एक्सपेरिमेंट में इसलिए दिखाऊंगा आपको, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है इसको आप सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके चले कि जस्ट मुझे एग्जाम क्लियर करना है या थ्योरी करनी है, उससे उससे मजे नहीं आएगा, ठीक है? मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे वो सारी चीजें, तो बेहतर है आप एक्सपेरिमेंटल पढ़ें, उससे उससे आपको ओवर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप देखोगे कि प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या होती हैं, थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, उनको हम देखेंगे कि वो कहाँ तक लिमिट करती हैं हमें। थ्योरी में हम आइडियल चीजें पढ़ेंगे, प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ देखेंगे हम कहाँ तक, मतलब क्या क्या चीज़ें वो होती हैं उनको देखना शुरू करेंगे, ठीक है? तो शुरू का मैं आपको बता दूँ, शुरू में मैं ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रूटीन क्या रहेगा इसका, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। इसमें सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मर, ये चलेगा अराउंड अपना कम से कम इसको चाहिए 10 से 15 क्लास, 10 क्लासेस, ठीक है? इतने क्लास चलेंगे इसमें 10 या 15 क्लास, मतलब अराउंड मैं दूंगा इसको 25 आवर्स, 30 आवर्स, ठीक है? मतलब 30 आवर्स में मशीन पूरा कर देते हैं, ठीक है? तो खैर मैं 30 आवर्स इस पर दूंगा, इसके क्वेश्चन आसत करेंगे, एक्सपेरिमेंटल लेके चलेंगे, ठीक है? दूसरा है डीसी मशीन्स, डीसी मशीन्स एंड बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मशीन, बेसिक ऑफ रोटेशनल मशीन, ये आराम चलेगा आपका मे बी 15 क्लासेस, ठीक है? तीसरा है आपका सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मशीन, ये आपका चलेगा अराउंड 8 क्लासेस, और फोर्थ है आपका इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन ये आपका चलेगा 5 क्लासेस, इस तरह से आपका चलेगा। तो टोटल आप देख लीजिए अपने को कम से कम 20 और 38 क्लास है, और 38 क्लास का मतलब क्लास तो हमारी नंबर वास पे डिपेंड करती है, टोटल कोर्स आपका 150 घंटे का होगा, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि 1.5 महीने में खत्म हो जाए, बिकॉज हमारे पास एक वीक में, सुनिए भाई, हमारे पास एक वीक में नंबर बात मत करो, ठीक है? पीछे वाले लोग डिस्टर्ब होते हैं, सुनाई नहीं देता है, आप दूसरों की भी रेस्पेक्ट करो, ठीक है? ये प्लीज आप जान लें, ठीक है? हाँ जी, तो टोटल जो आस रहेंगे वो 150 आस के अराउंड रहेंगे, 1.5 महीने में हम कोशिश करेंगे इसको कवर कर दें, ठीक है? 1.5 महीने का मतलब है अभी एक बार वीक आप देख लीजिए अपने पास कितना टाइम है, 6 घंटे की क्लास वीकेंड पे चलेगी तो 6 × 12 है, ठीक है? दो दिन ये हो गया, और दो दो घंटे की, तीन घंटे की वो क्लास होगी, दो तीन और वीक डेज में तो चलेगी ना, तो कितना हो गया 18 है, ठीक है? मतलब आप 15 आवर्स मान के चलो, सब कुछ निकाल दें जो हार्ड कोर स्टडी हो 15 आवर्स की, ठीक है? 15 आवर्स एक वीक में होगा, तो आप एक महीने में देखते कितना हो जाएगा 60 आवर्स, ठीक है? तो अराउंड 2 महीने का कोर्स, ठीक है? 2 महीने में तकरीबन ये लगेगा, 2 महीना लग जाएगा, ठीक है? लंबा सब्जेक्ट है, थ्योरी ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो हिम्मत ना हारें, चीज़ें बड़ी आसान हैं, ठीक है? चीज़ें बड़ी आसान हैं, ठीक है? और आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जब पढ़ने के बाद अगर आप खुद को देखोगे, आज आप किस पोजिशन पे खड़े हो, मशीन पढ़ के देखना, आप बहुत कुछ समझ आएगा आपको, आपको नेटवर्क्स की कंसेप्ट समझ आएंगे, आपको मशीन के कंसेप्ट समझ आएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर ड्राइव्स, ठीक है?
ड्राइव्स अगर आपको मशीन पता है ना वो पार्ट इजी हो जाएगा। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो सबसे पहला बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले तो शुरू में मैंने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाया था बट मैं आपको थोड़ा सा फ्लक्स के बेसिक दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूँ शुरू से रिकॉर्ड हुए क्लासेस। ठीक है तो जब भी कभी आप नेक्स्ट आपके जो जूनियर्स आएंगे जो भी जूनियर्स हैं वो जब पढ़े दोबारा तो उनको शुरू से ही रूटीन से वो चीज़ें मिल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट भी शुरू से मिल जाएंगे। ठीक है तो वो चीज़ हम शुरू से देखेंगे। देखिए भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है तो सबसे पहले हमें फ्लक्स को समझना पड़ेगा। फ्लक्स क्या चीज होती है? ठीक है बुक ये रेफर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ फिर से जो लेट आए हैं। ठीक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पीसी से। ठीक है एक बुक मैं ये करवाऊंगा। आप आईसी नागनाथ की भी बुक आती है। ठीक है नागनाथ एंड कुमारी जो आती है ना पूरी बढ़िया बुक। ठीक है वो आप ले लो या पी एस बिमरा। ठीक है पी एस बिमरा में थोड़ा सा हम ठीक करेंगे उसको। ठीक है तो ठीक है भाई मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाऊंगा। जो पिछली बार मेरी मशीन लगाए हैं वो कुछ डिफरेंट देखेंगे। ठीक है चलिए फ्लक्स क्या चीज है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकलती है। फील्ड लाइंस क्या होती है? जैसे कोई चुंबक, चुंबक से जरा देखो जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई ऐसे दिखा दिया है आपका ये जैसे नॉर्थ परमानेंट मैग्नेट है और ये साउथ है तो कितनी फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है उनको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। उनको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि कोई एरिया है जैसे ये एरिया है इसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है और फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया क्या होती है? फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी घनापन। ठीक है उसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी बी। एक होता है फ्लक्स और एक होता है फ्लक्स डेंसिटी। तो आप लिखिए फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। कितना फ्लक्स है क्या फ्लक्स है? ठीक है और फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है फ्लक्स कितना निकल रहा है तो फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से दिखाते हैं और फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाएंगे। ठीक है अब जरा देखिए ये मैग्नेट कैसे बनती है। क्वेश्चन ये है ये फील्ड लाइन बनती कैसे? ठीक है तो उसके लिए चाहिए हमें करंट। करंट से मैग्नेट करंट से फ्लक्स बनता है। करंट से मैग्नेट बनती है करंट से फ्लक्स बनता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे सिलेंडर है। ठीक है एक ऐसा सिलेंडर है और मैंने क्या किया इसके ऊपर टर्न्स लगा दी वायर लपेट दिया वायर की टर्न्स लगा दिए। ठीक है एन टर्न्स लगाए मान लीजिए और करंट मेरा आई करंट आ गया तो सबसे पहले आता है एक एमएमएफ। ठीक है एमएमएफ जैसे वहां पे ईएमएफ होता है ना सर्किट्स में ईएमएफ माने वोल्टेज वो यहां पे मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या होता है? एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है एमएमएफ तो एमएमएफ क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई एन इनटू आई एमएमएफ। ये एमएमएफ रिस्पांसिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। आप लिखिए एमएमएफ इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। जैसे ईएमएफ रिस्पांसिबल था किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ करंट। ईएमएफ रिस्पांसिबल था ऐसे ही एमएमएफ रिस्पांसिबल होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। ठीक है तो फ्लक्स के लिए एमएमएफ रिस्पांसिबल होता है। एमएमएफ की वजह से फ्लक्स आएगा चुंबक बनेगी फाई फ्लक्स आएगा। ठीक है अब फ्लक्स क्या आएगा कितना फ्लक्स आएगा सबसे पहले आप एमएमएफ बनाओगे। जैसे जैसे मेरे पास यहां पे देखिए यहां पे मेरे पास 3500 टर्न्स है। ठीक है इसके अंदर 3500 टर्न्स है। अब अगर मैं इसके अंदर करंट दूंगा तो सबसे पहली टर्म क्या बनेगी इसके अंदर? एमएमएफ। ठीक है इसके अंदर एमएमएफ आएगा। अब सुनिए एमएमएफ क्या बनाता है? फ्लक्स पैदा करता है। जैसे ईएमएफ वोल्टेज को करंट को पैदा करता है वैसे ही एमएमएफ क्या करता है? फ्लक्स को पैदा करेगा। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइड बाई रिलेक्टेंस आर फॉर रिलेक्टेंस। मैं आर इस तरह का आर फॉर रिलेक्टेंस लिख रहा हूं। ठीक है एमएमएफ डिवाइड बाई रिलेक्टेंस मींस इससे फ्लक्स बनेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आएंगे। ठीक है जैसे ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस होता था इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वो करंट होता था वैसे ही एमएमएफ डिवाइड बाई रिलेक्टेंस क्या होता है? फ्लक्स। रेजिस्टेंस अपोज करता था करंट के मैग्नीट्यूड को करंट के फ्लो। ठीक है ये जो आपका जो ये है रिलेक्टेंस ये किसको अपोज करेगा? फ्लक्स के फ्लो।
रेजिस्टेंस अपोज करता था करंट के फ्लो, आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच बिकॉज क्या था इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा तो फिर नीचे जाना चाहिए, कोई बात नहीं। तो फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, एमएमएफ डिवाइड बाई रिलेक्टेंस, जितना ज्यादा रिलेक्टेंस होगा उतना फ्लक्स कम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रिलेक्टेंस होगा उतना फ्लक्स कम होगा, ठीक है। देखिए अब ये रिलेक्टेंस क्या चीज होती है, रिलेक्टेंस ये बेसिकली मीडियम पे डिपेंड करता है, जैसे जो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, जरा देखिए फ्लक्स ऑलवेज क्लोज लूप बनाता है, यहां से निकलेगा अगर ये नॉर्थ पोल है, यहां से निकलेगा चारों तरफ निकलेगा और वापिस यहां से अंदर आएगा, यहां से निकलेगा वापिस अंदर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपना फ्लक्स फ्लो करता है, एक जगह से निकलता है दूसरी जगह से वापिस एंट्री मारता है, ठीक है, इस तरह का फ्लक्स होता है, इस तरह फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स क्लोज लूप में फ्लो करता है, ऑलवेज याद रखिए फ्लक्स ऑलवेज क्लोज लूप में फ्लो करेगा। तो रिलेक्टेंस क्या होगा, जिस पाथ में वो फ्लक्स फ्लो कर रहा है, जो पाथ है उसका, यहां से जाके यहां से निकल के वापिस यहां तक आना, तो जो पाथ है उस पाथ का कितना रिलेक्टेंस है हमें ये देखना होता है। अगर रिलेक्टेंस हाई है तो फ्लक्स कम जाएगा, चुंबक बढ़िया नहीं बनेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा नहीं आएंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आएंगी उतना बढ़िया चुंबक बनेगी, उतना बढ़िया मैग्नेट बनेगी, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने बोला कि फ्लक्स डिपेंड करता है रिलेक्टेंस पे और रिलेक्टेंस डिपेंड करता है मीडियम पे, किस मीडियम में से वो लाइंस निकल रही है। तो रिलेक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल, एल मतलब मीन लेंथ, मीन लेंथ जो पाथ लेंथ होगी ना, मीन लेंथ एल डिवाइड बाई न्यू ए, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में वो फ्लो कर रहा है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो है एरिया, न्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट इनटू न्यू आर, न्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब कोई पर्टिकुलर मीडियम है वो वैक्यूम से कितनी ज्यादा, उसकी रिलेटिवली वैक्यूम से कितना ज्यादा है, नहीं समझे, वैक्यूम से कितना ज्यादा परमिएबल है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी बेसिकली ये होती है म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ठीक है, म्यू नॉट इनटू म्यू आर इज परमिएबिलिटी, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाथ, जिस पाथ में वो फ्लो कर रहा है, जो उसका जो पाथ है उसका क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे यहां से निकलेगा तो यहां से क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होता है, जो ये इसका जो ये ढक्कन का जो एरिया है ना गोल गोल, वो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। एल मतलब लेंथ, पाथ लेंथ, क्या वो मीन पाथ लेंथ, कितनी मीन पाथ लेंथ है उसकी, ठीक है, जो टोटल क्लोज लूप बनाएगा उसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, तो मीन पाथ लेंथ क्या होता है, रिलेक्टेंस। अब जरा देखिए, तो मीडियम का जितना ज्यादा रिलेक्टेंस होगा, जितनी ज्यादा उसकी परमिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा उतना कम क्या होगा, रिलेक्टेंस, जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना कम उसका रिलेक्टेंस होगा, और जितना कम उसका रिलेक्टेंस होगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स बनेगा उतने बढ़िया वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, समझ आया। तो बेसिकली हर एक चीज जुड़ी हुई है, मतलब आपस में जुड़ी हुई है चीजें, रिलेक्टेंस, एमएमएफ, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया रिलेक्टेंस क्या चीज होती है, रिलेक्टेंस क्या कैसे बनता है, ठीक है, जरा देखिएगा, अभी मैं आपको रिलेक्टेंस नजर दिखाता हूं कि कितना स्ट्रॉन्ग अपना मैग्नेट बनती है एयर के अंदर और कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनती है आयरन मीडियम के अंदर। अगर मैं इसके अंदर आयरन डाल दूं, इसके अंदर आयरन रोड डाल दूं, तो नॉर्थ एंड साउथ देखते हैं कैसा बनता है, कितना स्ट्रॉन्ग बनता है, और अगर मैं इसके अंदर एयर डाल दूं तो नॉर्थ एंड साउथ देखते हैं कितना बनता है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास इंडक्टर है, मतलब कोई नंबर ऑफ टर्न्स है 3500 टर्न्स है, ठीक है, और मैं इसके अंदर डीसी सप्लाई डालूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये ऑल्टरनेट करें नॉर्थ एंड साउथ, क्यों भाई, जरा देखो करंट इधर जा रहा है ना, ऐसे लूप में घूम रहा है, तो फ्लक्स किधर आएगा बताओ, राइट हैंड को आप घुमाओ हाथ को करंट की डायरेक्शन में, जो अंगूठा है वो फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगा ऑलवेज, तो आप बताओ हाथ घुमाओ तो फ्लक्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब यहां से निकलेगा, निकलेगा तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। लेकिन अगर करंट उल्टा होता, करंट यहां से एंटर कर रहा होता, मान लीजिए करंट पहले यहां से एंटर कर रहा है ना, मान लीजिए करंट को मैं यहां से एंटर करा दूं, तो फ्लक्स किधर आएगा बताओ, नॉर्थ पोल किधर बनेगा, ऐसे जाएगा करंट और ऐसे ऐसे घूमेगा ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब करंट अंदर से गया ना, पीछे से ऐसे जाएगा, देखो पीछे से ऐसे जाके आगे आएगा। अगर करंट नीचे से एंट्री ले रहा हो, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन हो जाए करंट की, आप ये कह सकते हो,
भाई इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, करंट नेगेटिव हो जाए, करंट नेगेटिव मतलब इधर हो जाए, तो अगर करंट यहां से बाहर आए और यहां से अंदर हो जाएगा तो फ्लक्स किधर आएगा, फ्लक्स की डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे देखो ना राइट हैंड को, करंट की डायरेक्शन में घुमाओ नीचे की तरफ आएगा, इसके बाद ये क्या बनेगा फिर नॉट ये बन जाएगा। इसका मतलब अगर आपका करंट इधर से निकल इसमें एंटर कर रहा है तो ये नॉर्थ बनेगा, और इससे निकल रहा है तो ये क्या बनेगा साउथ, ये नॉर्थ बनेगा फिर, ठीक है भाई समझ आया। तो इसका मतलब अगर मैं डीसी करंट दूं इसके अंदर, मान लीजिए करंट की करंट मैंने डीसी सप्लाई दिया, डीसी करंट दिया इसके अंदर, अगर मैं डीसी करंट दूंगा तो ये नॉर्थ फिक्स रहेगा आपका, यहाँ पे ऑलवेज नॉर्थ रहेगा क्योंकि डीसी करंट तो कॉन्स्टेंट करंट होता है, इसके अंदर करंट ऑलवेज एंटर करेगा तो ये क्या रहेगा ऑलवेज नॉर्थ। लेकिन मान लीजिए मैंने करंट को ऑल्टरनेटिंग दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट दिया तो क्या दिक्कत आएगी बताओ, यहाँ पे जो एक बार नॉर्थ ये बनेगा, एक बार नॉर्थ ये बनेगा, एक बार ये बनेगा, एक बार क्योंकि करंट एक बार पॉजिटिव है एक बार क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब एक बार इधर से एंटर कर रहा है एक बार इधर से एंटर कर रहा है, एक बार इधर से एंटर करके इधर से लीव करेगा, एक बार इधर से एंटर करके इधर से लीव करेगा, मतलब इस तरह का बनेगा। तो कुल मिला के उस केस में उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, आपका जो फ्लक्स है जो नॉर्थ एंड साउथ है वो क्या करेगा ऑल्टरनेट करेगा, उस केस में ऑल्टरनेट करेगा, उस केस में एक एक पर्टिकुलर नॉर्थ नहीं रहेगा एक साउथ नहीं रहेगा, ठीक है। और एक बार मैं एयर डाल रहा हूँ और एक बार आयरन डाल रहा हूँ, जरा देखते हैं क्या फर्क आता है चुंबक पे, जरा देखते हैं। तो मैं डीसी दूंगा इसके अंदर, अब डीसी कैसे दूं, मेरे पास तो एसी अवेलेबल है तो डीसी कैसे दूं, अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा पहले मुझे तभी डीसी जा पाएगी, तो इसलिए मेरे पास एक रेक्टिफायर लगा है जिसको जिससे मैं सप्लाई दे सकता हूँ, मेरे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। तो मैं इसका यूज करता हूँ, इसका यूज करूंगा और मैं इसको सप्लाई दूंगा डीसी सप्लाई, ठीक है। जरा देखिए तो उसके लिए मुझे कनेक्शन करने की जरूरत है, मैं इसे कनेक्शन कर देता हूँ, मुझे एक मिनट लगेगा, ठीक है जी चलिए कनेक्शन कर देते हैं। तो मैंने इसे कनेक्शन कर दिए, अब मैं एसी सप्लाई यहां से निकाल के इसके अंदर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे इसके अंदर कौन सी सप्लाई जाएगी, डीसी सप्लाई, ठीक है जरा देखिएगा। तो मैं यहां से भी कनेक्शन कर देता हूं इसके, हमारे पास उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जरा देखिए
आप देख पा रहे हो ठीक है, और ये अंदर चला गया वहां पे देख पा रहे हो आप, बिल्कुल मिडिल में होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, निकलेगा नहीं क्योंकि वो अंदर फंस गया ना। चलिए एक बार जल्दी देखिए, मैं वैसे दिखाता हूँ, इसको हाथ में रखता हूँ ठीक है, बहुत गर्म भी हो गया ठीक है, इतनी थोड़ी सी देर में गर्म हो जाएगा, जरा देखिएगा ये मतलब इसको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन इसके वेट को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये अट्रैक्ट जरूर कर रहा है पर इसके वेट को होल्ड नहीं कर पा रहा, अट्रैक्ट जरूर कर रहा है इसको बट इसके वेट को होल्ड नहीं कर पाएगा ये ठीक है, जरा देखिए इसको अट्रैक्ट कर रहा है, देखो इसको अट्रैक्ट कर रहा है बट होल्ड नहीं कर पाएगा, आप जरा देखिएगा मैं इसका मीडियम चेंज कर रहा हूं, आप देख रहे हो, और अब मैं मीडियम कर रहा हूं, मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया, निकाल दे एयर आ गई इसके अंदर, एयर आ गई तो इसने अट्रैक्शन बंद कर दिया, जरा देखिए एक बार दोबारा, फिलहाल ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, फिलहाल ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, अब मैं काम करता हूं शरीर को निकालना शुरू करता हूं, जरा देखो थोड़ा सा ऊपर कर दे मीडियम बदला, एयर होगी, एयर होते अट्रैक्ट करना बंद कर दिया ठीक है, ये फिर से अंदर जाएगा। अच्छा एक और चीज देखो, ये सरिया गिर नहीं रहा है, ये गिर नहीं रहा है ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग है मैग्नेट अभी फिलहाल, अब जरा देखिएगा आप, जरा देखना महसूस करना इसको, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ठीक है, इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि इस आयरन को पकड़ के बैठा है, जरा एक बार दोबारा देखिए, देखिएगा ठीक है, इसको इसको पकड़ के बैठा है, इसको अट्रैक्ट किए हुए। चलिए तो मैंने बताया कि बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों बन रही है इतनी ज्यादा, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों बन रही है, और ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया, आप इसको हाथ लगाएंगे बहुत गर्म है, मैं इसको पकड़ नहीं सकता, सही बताऊंगा ठीक है, ये बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैसे बन रही है ठीक है, बिकॉज आपने क्या किया सुनिए, स्ट्रॉन्ग क्यों बना, इतना स्ट्रॉन्ग इसको आयरन को क्यों पकड़ के रखा इसने, बिकॉज जो नॉर्थ एंड साउथ पोल बने, जैसे आयरन इसके अंदर गया मीडियम बदल गया अंदर का, हालांकि ज्यादा तो एयर ही है क्योंकि ये तो बहुत पतला है ना, और इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेस तो इसका आयरन ने ले लिया ना, फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स इसको अंदर ही रखेगा, फ्लक्स इसको निकलने नहीं देगा बिकॉज इसका रिलक्टेंस लो है, फ्लक्स की परमेबिलिटी, आयरन की परमेबिलिटी जो होती है वो वेरी हाई होती है, आयरन की परमेबिलिटी वेरी हाई होती है, इसका मतलब उसका जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अब सुनिए, जब आपने इसके अंदर डाला इसको तो फ्लक्स आयरन में से फ्लो होने लग गया, एयर में से नहीं आ रहा, इसके अंदर जो एयर है उसमें से नहीं आ रहा फ्लक्स, किसमें से आ रहा है फ्लक्स, इस आयरन में से, और इस आयरन को निकलने नहीं देगा, क्यों नहीं निकलने देगा, क्योंकि अगर आयरन निकल गया तो उसका जो रिलक्टेंस है फ्लक्स का वो बढ़ जाएगा, और फ्लक्स कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका रिलक्टेंस बढ़े, फ्लक्स की टेंडेंसी होती है कि मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को पकड़ के रखे, तो इसलिए वो उस आयरन को निकलने भी नहीं देगा, बिकॉज वो आयरन उसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है, लो उसका पाथ का जो रिलक्टेंस है वो कम रहेगा, इसलिए उसको पकड़ के रखता है, वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखता है, या फिर वो भी और भी कई सारे, कुछ लोग पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से एक्सप्लेन करते हैं, मे भी इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग ये इसको करता है। दूसरा मैंने एक और चीज देखी, जब ये विदाउट आयरन था, जब इसके बाद कोई आयरन मैंने नहीं डाला था, तो ये इसको इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर रहा था इसको, लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर आयरन डाला उसके अंदर क्या हो गया, जो अट्रैक्शन था वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बिकॉज आयरन डालने से नंबर ऑफ फील्ड लाइन फ्लक्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आयरन डालने से रिलक्टेंस कम होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, मतलब जो चुंबक बनेगी नॉर्थ एंड साउथ वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इट मींस जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका रिलक्टेंस पे, और रिलक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी, अब परमिएबिलिटी वेरी हाई होती है किनकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी वेरी हाई होती है,
फिर होती है पैरामैग्नेटिक की, और फिर सबसे लेस किसकी होती है? डायमैग्नेटिक की। वो बाद में देखेंगे कि क्या वैल्यू होती है परमिबिलिटी की, बट ऑलवेज याद रखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिबिलिटी होती है वो एयर की परमिबिलिटी से इवन 1000 to 10,000 टाइम्स हायर होती है। एयर की जो परमिबिलिटी है, एयर की जो परमिबिलिटी उससे 1000 से लेके 10,000 तक हायर होती है। इसका मतलब रिलक्टेंस उसका उतना ही क्या हो गया? कम हो गया। आयरन का रिलक्टेंस उतना ही कम हो गया। और अगर आयरन का रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी, चुंबक स्ट्रॉन्ग बनेगी। आप समझे? चलिए, तो मैंने बताया कि हाँ जी मतलब वो इसलिए आप कह रहे हो, वो इसलिए ऐसा होता है जैसे नॉर्थ है साउथ में, फील्ड लाइन यहां से निकल के यहां पे आती है, ऐसे निकल के यहां पे ऐसे ऐसे आती है, ठीक है? तो बीच वाली जो स्ट्रेंथ है यहां पे फील्ड लाइन होती नहीं है, ठीक है? बट इट बिकम यहां पे जो अट्रैक्शन होगा उस हिसाब से थोड़ा सा इस केस जो जड़ा मतलब स्टेपलर सी वो मतलब सेंटर से सेंटर में इसलिए चला गया बिकॉज़ देखिए सेंटर में इसलिए गया बिकॉज़ जरा देखो ये चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा। अगर आप इसको डालोगे तो ये अट्रैक्ट होगा, ऊपर से डालोगे तो ऊपर से अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि नॉर्थ है और ये साउथ है, और साउथ हो चाहे नॉर्थ हो आयरन ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्ट होगा, आयरन अट्रैक्ट होगा। अब आपने जैसे यहां पे डाला तो नीचे की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और यहां पे डाला तो ऊपर जाएगा, लेकिन मिडिल में आगे फिर क्या होगा बताओ? मिडिल में आगे जो मिडिल वाला पार्ट है यहां पे जैसे आएगा ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है, उसको निकलने नहीं देगा ना, ऊपर जाने देगा, इधर से भी अट्रैक्शन मिल रही है, इधर से अट्रैक्शन मिल रही है, समझे? उस तरह से आप लेके चलो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो इस तरह से बेसिकली वो बीच में आके रुक जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आपने देखा कि ये जो ये था ये शुरू में निकला था ये इनर्शिया की वजह से, बिकॉज इसका वेट की वजह से जैसे मैंने छोड़ा था इनर्शिया आ गया था नीचे एकदम स्पीड से जाएगा, इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा नीचे निकलेगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ये निकल आएगा हल्का सा, लेकिन वापस खींच लेगा इसको बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है? मैग्नेटिक डाइपोल का अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से। बताऊंगा वो मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब आपको समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक बार अगर आप दो देखना चाहते तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है? आप जरा देखिएगा, मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, ये इसको आगे तक लेगा और फिर वापस ले लेगा, ठीक है? जरा देखिए, वैसे बहुत गर्म हो गया अभी, मैं एसी ऑन कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ करना जरा देखिएगा, ठीक है? एक बार फिर से देखिए, निकलने नहीं दे रहा ये, ठीक है? तो आपने देखा कुल मिला के क्या हो रहा है, ये एक बार इसको खींचता है स्ट्रॉन्गली तो उसे स्पीड आ जाती है इसके पास, लेकिन अल्टीमेटली इसको मिडिल में रोकेगा ये बिकॉज ऑफ इट्स डाइपोल, इस डाइपोल अट्रैक्शन। बताऊंगा आपको वो चीज, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एक बार आपने चलिए देख लिया, अच्छा है, लेकिन एक बार इसके एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। मैंने फिलहाल क्या बताया, मैंने आपको बस ये बताया, आप खुद सोचिए। वैसे भी अगर इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करें तो वो भी कर सकते, जब ये आगे की तरफ जा रहा था इनर्शिया की वजह से तो उससे बीच में क्या आ रही थी, पीछे से क्या निकल के आ रही थी? एयर, जो कि फ्लक्स को पसंद नहीं है। फ्लक्स बोलेगा मेरा पाथ का जो रिलक्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम, और अगर कम हो सकता है तो मैं कम करूंगा, तो जबरदस्ती उसको वापस अट्रैक्ट करेगा, उसको जाने नहीं देगा, बोलेगा तुम जा किधर रहे हो, तुम तो मेरा रिलक्टेंस बढ़ा रहे हो, मुझे कम चाहिए, मुझे रिलक्टेंस कम चाहिए। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, उसको फिर से अट्रैक्ट करेगा, समझे? तो बेसिकली सारी कहानी फ्लक्स से शुरू होती है, सारी चीज फ्लक्स पे है, ठीक है? सब कुछ फ्लक्स पे देखो। अब जरा देखिए, तो मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है बिकॉज आयरन डालने से, आयरन की परमिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर मैं एयर डाल दूंगा तो एयर की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा पुअर होती है, एयर की परमिबिलिटी बहुत पुअर होती है, इस वजह से उसका रिलक्टेंस हाई होता है। इस वजह से क्या होता है आपका, क्योंकि रिलक्टेंस हाई है फ्लक्स ज्यादा फ्लो नहीं कर पाता, और अगर फ्लक्स ज्यादा फ्लो नहीं करेगा तो आपका चुंबक स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, ठीक है? मैग्नेट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। आपको समझ आया पार्ट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए मैंने बताया कि फ्लक्स क्या चीज होती है, ठीक है? कैसे फ्लक्स फ्लो करता है। अब नेक्स्ट जरा देखिए, फ्लक्स होता है MMF by reluctance, तो इसका मतलब मैं phi लिख सकता हूं, NI
by reluctance. Reluctance का क्या formula आता है बताओ? L by mu A. अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो बनेगा n into I mu A divided by L. सही है भाई? N I mu A by L. ठीक है? अब इस A को नीचे ले आओ. Flux divided by total number of free lines divided by total area, total cross section area. इसका मतलब क्या हुआ? तो इतनी फील्ड लाइन निकल रही थी ए एरिया में से, तो वन एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकलेगी? देखो ए ये एरिया में से फाइव फ्लक्स निकल रहा था, फाइव टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकल रही थी, तो वन एरिया में से कितनी निकलेगी? इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. भाई ए एरिया में से फाइव फ्लक्स निकल रहा था, तो यूनिट एरिया में से कितना निकलेगा? फाइव डिवाइड बाई ए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये निकलेगा 5 by a. तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? बताओ यहाँ से ये नीचे ले आओ. N I mu by L. और ये क्या बन गया? B. ये होता flux density B. B is equal to N I by L into mu. ठीक है? और मैं जानता हूँ B is equal to क्या होता है? Mu H. याद है आपको? इसका अगर मैं इसको इसके साथ compare करूँ तो H is equal to क्या आएगा? N I by L. H is called intensity, magnetic field intensity or flux intensity, कोई बोलिए, magnetic field intensity, H is magnetic field intensity, H क्या है आपका? Ni by L, ठीक है, magnetic field intensity, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी है तो पूछिए भैया. B is equal to mu H, H is equal to Ni by L, Ni is MMF, MMF पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये क्या होता है आपका? इंटेंसिटी, तीखापन, कितना तीखा है. एक होता है डेंस, एक इंटेंस. डेंस का मतलब घनापन जैसे शहद होता है, इंटेंस का मतलब तीखापन जैसे नींबू पानी होता है. ठीक है, वैसे उस लिहाज से तो तीखा नहीं हो गया. ठीक है, मतलब थोड़ा मिर्ची वाला था. ठीक है, तो उस तरह से होती है, वो अपना अपना तरीका है. इंटेंस का मतलब एलईडी की लाइट बड़ी इंटेंस होती है, बड़ी तीखी होती है. ठीक है, और जो ट्यूब की लाइट होती है बड़ी डेंस होती है, उनमें घनापन होता है, तीखापन नहीं होता. समझे? इस तरह से मैं उस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो यह है इंटेंसिटी और यह है डेंसिटी. ठीक है, चलिए म्यू एन आई बाई एल और यहां से एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल हो गया. तो एक काम और कर सकता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं. अब आप लिखिए बी एच रिलेशनशिप, बी एच रिलेशनशिप, बी और एच की बीच रिलेशनशिप देखते हैं क्या होती है. बी एच रिलेशनशिप जरा देखिएगा, बी एच रिलेशनशिप, बी और एच के बीच क्या रिलेशनशिप होती है. ठीक है, वो जरा देखिए. या इसको एक और बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व. ठीक है, बिकॉज मैं बी एच रिलेशनशिप को, ये तो मुझे पता ही है बी और एच के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये रही ना सामने आपके, बी और एच के बीच रिलेशनशिप, ये तो पता ही है. अब मुझे देखना है इसके बेसिस का कर्व, जो जिससे जो इससे इसके रिलेशनशिप से जो हम जो 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 ग्राफ बनाते हैं, जो जो इसका प्लॉट जो होता है बी और एच का, वो हमें देखना है मटेरियल में बी और एच के बीच का क्या ग्राफ आएगा. जैसे आयरन है, आयरन के चारों ओर अगर मैं वायर लगा दूं तो जरा देखिए क्या होगा. मतलब इसके चारों ओर अगर मैं वायर लपेट लूं और उसके बाद मैं एक प्लॉट करने जा रहा हूं, वो प्लॉट जरा देखिएगा किस टाइप का प्लॉट होगा. बी एच कर्व बोलते हैं इसको. ठीक है, वो जरा देखिए. या फिर मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं. ठीक है, जरा देखिए इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व क्यों बोलते हैं, वो भी आपको समझ आएगा. देखिए इधर है बी, इधर है एच. ठीक है, और ये मेरा आयरन का मटेरियल, आप इमेजिन करें ये आयरन का रोड है मेरे पास और इसके ऊपर मैंने वायर लपेट दिया. या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो जो मैंने टांस लपेटी थी इसके अंदर आयरन डाल दिया. एक ही बात है, एक ही बात है, आयरन डाल दिया. तो अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं करंट को बढ़ा रहा हूं. एन तो फिक्स है, मैं करंट को बढ़ा रहा हूं. करंट बढ़ाने का क्या मतलब है, मैं किसको बढ़ा रहा हूं? एन आई को बढ़ा रहा हूं, एन आई में इंक्रीज कर रहा हूं. और अगर एन आई इंक्रीज होगा तो एन आई बाई एल ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. माने एच इंक्रीज होगा बिकॉज एच इज प्रोपोर्शनल टू आई. इसका मतलब अगर आई बढ़ा गया तो एच बढ़ेगा. क्या कहते हो, सही है? तो अगर मैं बी एच कर्व को प्लॉट करूं, बी एच कर्व अगर किसी आयरन मटेरियल का देखना चाहूं, ये आयरन का मटेरियल है, इसके ऊपर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए हैं और मैं कहता रहा हूं मैं करंट को बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, आपका एन आई बढ़ेगा, एन आई बाई एल बढ़ेगा, माने एच बढ़ेगा.
करंट बढ़ाने का इनडायरेक्ट मीनिंग है एच बढ़ाना, तो जब एच बढ़ाऊंगा इसका मतलब क्या है आई बढ़ाना, वाई समझ सा, एच बढ़ रहा है आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तुम्हारे एच बढ़ रहा है, ठीक है। तो बी एच कर्व में मान लीजिए मैं एच बढ़ा रहा हूं, एच बढ़ाने का मतलब क्या है मैं क्या बढ़ा रहा हूं आई बढ़ा रहा हूं, अगर आई बढ़ेगा तो एन आई बढ़ेगा और एन आई बाई रिलेक्टेंस आर ये क्या होगा ये भी बढ़ेगा, बिकॉज जब एन आई बढ़ गया तो रिलेक्टेंस तो पार्ट का फिक्स है, ठीक है, वो भी बढ़ेगा, करेक्ट है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगा और फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया ये भी क्या होगा ये भी बढ़ेगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया का क्या होता है, क्या होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज बी। इसका मतलब अगर आप एच बढ़ाते हो माने आप आई बढ़ा रहे हो, आई बढ़ा रहे हो इसका मतलब है एन आई बाई आर बढ़ा रहे हो माने फ्लक्स बढ़ा रहे हो, और फ्लक्स बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब बी भी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एच बढ़ाओगे तो इनडायरेक्टली आप किसको बढ़ा रहे हो बी को बढ़ा रहे हो, और रिलेशनशिप क्या है बी इज इक्वल टू यू एच, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स एक्सिस पे एच है और वाई एक्सिस पे बी है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप इक्वेशन होगी, इसका मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसका मतलब अगर एच बढ़ाओगे तो आपका बी बढ़ेगा, क्या कहते हो एच बढ़ाओगे तो आपका बी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लीनियरली बढ़ेगा, और एच बढ़ाने का क्या तरीका है, एच कैसे बढ़ा सकते हो आप करंट से, ऑब्वियस है करंट बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा ना, ठीक है, तो करंट बढ़ रहा है एच बढ़ रहा है तो उससे बी भी मेरा बढ़ रहा है, लीनियरली मैं बढ़ा रहा हूं। आप सुनिए क्या होगा, मैं मजे लेने शुरू कर दिया, मैंने क्या किया करंट बढ़ाता बढ़ाना ही बढ़ाना शुरू कर दिया, बस बढ़ा रहा हूं बढ़ा बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है, तो होगा ये जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे एच भी बढ़ेगा, तो मैं एच को बढ़ाते जा रहा हूं माने मैं करंट को बढ़ाते जा रहा हूं, तो ऑब्वियस बी भी बढ़ेगा मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ठीक है, तो बी बढ़ता चला जाएगा, अगर एच बढ़ाऊंगा तो लीनियरली बी बढ़ता चला जाएगा, बट एक पॉइंट के बाद आयरन के अक्रॉस, आयरन में देखो करंट बढ़ा रहा था तो फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, फाइन फ्लक्स चुंबक बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो एनआई बढ़ेगा, एनआई बाय आर बढ़ेगा, एनआई बाय आर बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब चुंबक स्ट्रोक होती चली जाएगी जैसे जैसे आई बढ़ेगा, बट एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट तक लीनियरली बढ़ा, जितना करंट बढ़ा उतना तकरीबन उसी प्रोपोर्शन में फ्लक्स बढ़ जाएगा, बी बढ़ जाएगा, बी और फ्लक्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, तो फ्लक्स उतना ही उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा अगर आपने आई बढ़ाया तो, या आप दूसरे सेंस में कहो आप अगर एच बढ़ाओगे तो आपका बी क्या होगा उसी उस रेशियो में बढ़ जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए एक पॉइंट के बाद अगर आपने आई और बढ़ाया तो आपका फ्लक्स बढ़ नहीं पाएगा, आपका जो फ्लक्स है वो बढ़ नहीं पाएगा, एक पॉइंट के बाद अगर आपने और ज्यादा आई को बढ़ाया तो आपका फ्लक्स जो है वो बढ़ नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा सैचुरेट, मतलब चुंबक कॉन्स्टेंट हो जाएगी, चुंबक बढ़ नहीं पाएगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ नहीं पाएंगी चाहे आप कितना भी आई बढ़ा दो उससे ज्यादा, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन, ये इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, मतलब कोर आपकी क्या होगी है इस पॉइंट के बाद इससे आगे सैचुरेट होगी, मतलब चुंबक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, उसकी लिमिट है बस, उससे ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं बन सकती, ठीक है। तो शुरू में तो ये जो बी एच कर्व होता है जो लीनियर रिलेशनशिप है ये एक पॉइंट तक लीनियर रहती है, उसके बाद वो क्या होने लग जाती है नो लीनियरिटी बन जाती है, मतलब सैचुरेट हो जाता है कर्व, मतलब जो आयरन मटेरियल होगा वो सैचुरेट हो जाएगा, आयरन की चारों मैंने टर्न्स लगाए, ठीक है, अब टर्न्स में क्या कर रहा हूँ करंट देना शुरू कर दिया, तो करंट जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये नॉर्थ और ये साउथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, वही बी बढ़ेगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा, उस पॉइंट के बाद अगर मैंने और करंट बढ़ाया तो चुंबक नहीं बढ़ेगी, ठीक है, चुंबक एक तरह से एक पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट सैचुरेट हो जाएगी, उससे ज्यादा चुंबक नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, इसको बोलते हैं बी एच कर्व। अब सुनिए मुझे एक बात बताइए, ये मेरा बी एच कर्व, इट मींस द स्लोप, बताओ बी एच कर्व में जो स्लोप है इस कर्व का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ना स्लोप क्या है एम, ये वाई है एक्स, ये वाई एक्स है एक्स एक्स, और ये वाई इक्वल टू एक्स, स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप इज म्यू, एम की जगह पे देखो ना क्या रखा है म्यू, वाई इज इक्वल टू एम एक्स को स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, तो जो एम होता है वो स्लोप होता है ना, तो भी तो वाई है और ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस पे नहीं एक्स पे, और बी कहाँ पे है वाई पे, तो वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, इसका स्लोप इज म्यू, स्लोप है आपका म्यू, ठीक है, मतलब परमेबिलिटी बेसिकली बी एच कर्व का क्या होता है स्लोप, जो परमेबिलिटी होती है वो बी एच कर्व का स्लोप होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे आप एच को बढ़ाते जा रहे हो मटेरियल का जो स्लोप है वो क्या होता जा रहा है, मटेरियल का स्लोप जो है देखो स्टीप था पहले ऐसे ऐसे होता चला गया स्लोप, स्लोप का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट, तो टेंजेंट आपका ऐसे होता चला गया,
इसका मतलब धीरे धीरे क्या होने लग गया, स्लोप क्या होने लग गया, कम होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। समझ आया? जैसे जैसे आप अपना एच बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका स्लोप डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो रिलेक्टेंस है, परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। परमेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन एच, इसका ये मतलब है ना। इसका मतलब जो मटेरियल का जो रिलेक्टेंस है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, एच पे, एच या आई ए की बात है ना। मतलब जितना ज्यादा आप आई लोगे उतना ज्यादा मटेरियल क्या हो जाएगा, उतना उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे? उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। परमेबिलिटी कम होने से जो रिलेक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रिलेक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। इट मींस रिलेक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन करंट। अगर आयरन की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल में जो रिलेक्टेंस होता है कितना आप उस पे करंट अप्लाई कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गई? सर एक बार फिर से ना, तो ये जो पॉइंट है कि जब करंट बढ़ता है तो फिर एट अ कांस्टेंट ही वो रिलेक्टेंस डिपेंडेंट होता है। मैंने बताया देखो इसका स्लोप क्या है, इसका होगा म्यू, म्यू स्लोप है, y = mx है ना, तो m की जगह पे म्यू आ गया ना, स्लोप इज म्यू। अब आप करंट बढ़ाओगे, करंट इधर बढ़ रहा है तो आपका जो फ्लक्स है वो बढ़ नहीं रहा है, करंट बढ़ रहा है बट जो आपकी, या फिर म्यू पे देखो, म्यू की वैल्यू क्या होती जा रही है, म्यू स्लोप टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, स्लोप कम नहीं होता जा रहा, हॉरिजॉन्टल होती जा रही लाइन। तो इसका मतलब जो टेंजेंट है वो क्या होगा, पहले स्टीप था, धीरे धीरे क्या होने लग गया, स्लोप कम होने लग गया। तो क्योंकि म्यू कम होता जा रहा है, जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे म्यू कम होता जा रहा है, अगर म्यू कम होगा तो रिलक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब रिलक्टेंस बढ़ना शुरू कर देगा। इट मींस रिलक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन करंट। ठीक है, मटेरियल पे कितना करंट आप अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग उसका रिलक्टेंस आएगा। जबकि अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालॉगस देखूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता था बताओ, आर, आर क्या होता था, वी और आई के इंडिपेंडेंट। अगर मैं एनालॉगस देखो, देखो रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस तो एनालॉगस ही हो गए ना। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता था, रिलक्टेंस फ्लक्स के फ्लो को अपोज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई, रेजिस्टेंस वाज वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस वाज वी अपॉन आई, ईएमएफ डिवाइड बाय करंट वो रेजिस्टेंस होता है। यहां पे रिलक्टेंस क्या होता है, एमएमएफ डिवाइड बाय फ्लक्स, एमएमएफ डिवाइड बाय फ्लक्स। वहां पे ईएमएफ होता था, ईएमएफ डिवाइड बाय करंट होता था, यहां पे एमएमएफ डिवाइड बाय फ्लक्स है। करंट की जगह किसने ले ली, फ्लक्स ने। करंट फ्लो होता था मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ से, फ्लक्स भी किसमें फ्लो होता है, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ से। ठीक है, बट रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता था किसके, वीआई के। आर वाज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, बट रिलक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन आई, रिलक्टेंस एमएमएफ और आई पे, करंट पे। एमएमएफ मतलब एमएमएफ तो आई पे डिपेंड करता ना, एमएमएफ, एमएमएफ इज एन इनटू आई। ठीक है, तो बेसिकली रिलक्टेंस जो होगा वो आई पे डिपेंड करेगा। आप ये पॉइंट नोट कीजिए भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप लिख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक सर्किट डिफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट्स, देखिए मैग्नेटिक सर्किट्स डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन दिस रेस्पेक्ट, इन दिस रेस्पेक्ट। और लगा दो उसको, जैसे वो लगाते ना तो क्या बोलते हैं, इन दिस रेस्पेक्ट, उसके आगे लिखिए क्या रेस्पेक्ट है। ठीक है, किस रेस्पेक्ट में वो डिफर करता है लिखिए जरा, इसको क्या बोलते हैं, मतलब किस रेस्पेक्ट में डिफर करता है लिखिए। रेजिस्टेंस इज नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ करंट in the electric circuit, whereas resistance is normally independent of current in the electric circuit, whereas the reluctance depends on the flux density, whereas the reluctance depends on the flux density in the magnetic circuit. मतलब कितनी flux density आप मैग्नेटिक सर्किट में है, मतलब कितना बी है। देखो यहाँ पे बी इतना है, यहाँ पे बी इतना है, यहाँ पे बी इतना है। आप सुनिए कौन से पॉइंट पे रिलक्टेंस ज्यादा है और कौन से पे कम है। यहाँ पे स्लोप न्यू है, यहाँ पे स्लोप थोड़ा और थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे स्लोप बिल्कुल कम हो गया। और स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे न्यू बिल्कुल कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा है। इस बी के ऊपर देखो ना, इधर बी है ना, ये बी वन है, ये बी टू है और बी थ्री है। बताओ कौन से बी पे आपका रिलक्टेंस हायर होगा, रिलक्टेंस कौन से पे हायर होगा, बी थ्री पे रिलक्टेंस हायर होगा। क्यों, क्योंकि बी थ्री पे जो स्लोप है कर्व का, जो म्यू है वो क्या है, कम है। म्यू कम होने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका फ्लक्स कम आएगा।
ठीक है, इसका मतलब रिलक्टेंस बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे, ठीक है, बी पे डिपेंड कर रहा है, या आप एक तरह से एच भी कह सकते हो, बिकॉज बी और एच तो एक दूसरे पे डिपेंड है ना, नहीं समझे, इसका मतलब रिलक्टेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, रिलक्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, जबकि आपका जो रेजिस्टेंस होता था वो इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होता था, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होता था रेजिस्टेंस, लेकिन रिलक्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ करंट नहीं होता, रिलक्टेंस एच पे डिपेंड करता है या बी पे डिपेंड करता है, और एच किस पे डिपेंड करती है, आई पे, मतलब रिलक्टेंस इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, समझे, इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, डायरेक्टली कुछ देर तक, उसके बाद डिफरेंट हो जाएगा, नहीं कुछ देर तक तो कॉन्स्टेंट है रिलक्टेंस, डायरेक्टली नहीं, कुछ देर तक तो रिलक्टेंस कॉन्स्टेंट है, देखो ना यहाँ तक मी कॉन्स्टेंट है ना, स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्लोप अगर कॉन्स्टेंट है तो रिलक्टेंस भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद आपका जो म्यू है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, म्यू वेरी करेगा तो रिलक्टेंस आपका वेरी करेगा, ठीक है, करेक्ट है, आगे बढ़े, हाँ मैंने बताया, वेयर इज द रिलक्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स डेंसिटी इन द मैग्नेटिक सर्किट, रिलक्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स इन द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी इन द मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, अब जरा देखिए, मेरा दो तीन मटेरियल है, उनका पीएच कर्व देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व देखते हैं, नहीं नहीं ट्रांजिएंट में नहीं ले रहा हूँ, ट्रांजिएंट नहीं ले रहा हूँ, स्टेबल का ही मैं लेके धीरे धीरे बढ़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, नहीं डायरेक्टली जाएगा भी नहीं आई इसमें 10 एम्पीयर, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस आप जाएगा भी नहीं, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, अब्रप्टली इंक्रीज नहीं किया, अब्रप्टली इंक्रीज होगा भी नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स रिपीट में से इंडक्टेंस आ जाता है, वो पढ़ने नहीं देता करंट भाई, आग लगा देता, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आप देखिए, मैं दो तीन कर्व देखता हूँ, देख रहा हूँ, एक स्टील है, एक आयरन है, ठीक है, तो दो तीन कर्व मैं बना रहा हूँ, जरा उनको बनाइए, ठीक है, एक मेरे पास सिलिकॉन शीट स्टील है, और एक कास्ट स्टील है, और एक कास्ट आयरन है, ठीक है, जरा देखिए, सिलिकॉन शीट स्टील, ठीक है, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, मतलब सुनिए, सिलिकॉन शीट स्टील जो होता है उसका ये बी है कि एच है, उसका तो स्लोप है, आप मुझे बताएंगे, यहां से लेके यहां तक देखो बहुत स्टीप कर नहीं है, गए बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, इसका मतलब इसका परमिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, जितना स्लोप ज्यादा उतनी परमिबिलिटी हाई है, पर इसका स्लोप बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब इसकी परमिबिलिटी हाई है, स्लोप बीएस कर्व में स्लोप क्या होता है, परमिबिलिटी, इसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, परमिबिलिटी अगर बहुत ज्यादा हाई है तो रिलक्टेंस इसका क्या होगा, बहुत कम होगा, रिलक्टेंस इसका बहुत कम होगा, ठीक है, तो इसका ये सीट स्टील जो होता है वो इजी पाथ देता है फ्लक्स के फ्लो को, सिलिकॉन सीट स्टील जो होता है वो फ्लक्स के फ्लो को इजी पाथ प्रोवाइड कर देता है, फ्लक्स को इजीली फ्लो कराता है, ठीक है, कास्ट आयरन, आयरन को अगर आप देखोगे उसका तो रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, तो जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे जहां पे फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा, जहां पे फ्लक्स के फ्लो होने का कंसेप्ट आएगा वहां पे कौन सा मटेरियल यूज करेंगे सो देट उसको इजी रिलक्टेंस पाथ मिल जाए फ्लक्स को, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील को, सिलिकॉन शीट स्टील ये यूज करेंगे, इसका इस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, समझ आ गई, इस टाइप का मटेरियल मेरे फ्लक्स को इजी पाथ प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में होता है, ट्रांसफॉर्मर में हम क्या लगाते हैं, एक कॉइल से दूसरी कॉइल के बीच क्या लगाते हैं, कोर लगाते हैं ना, तो कोर किसकी बनी होनी चाहिए, कोशिश करेंगे इसकी बनी होनी चाहिए, ठीक है, उससे क्या होगा, जो फ्लक्स फ्लो करेगा उसका पाथ क्या हो जाएगा, उसका पाथ का रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, परमिबिलिटी क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हाई है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा हाई है, तो परमिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई है, अगर परमिबिलिटी हाई रहेगी तो इसका रिलक्टेंस कम रहेगा, रिलक्टेंस कम रहेगा तो इसका फ्लक्स इसमें ज्यादा फ्लो कर सकता है, फ्लक्स ज्यादा फ्लो कर सकता है, समझ आया आपको ये कहानी, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, अब लिखिए मैग्नेटिक सर्किट्स विद एयर गैप, मैग्नेटिक सर्किट्स विद एयर गैप, अब मैग्नेटिक सर्किट्स को सोल्व करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स विद एयर गैप,
मैं कुछ मैग्नेटिक सर्किट देखना चाहता हूँ जिसमें एयर गैप है, उससे क्या फर्क पड़ता है वो भी जरा देखते हैं। जरा देखिए भाई, अगर मैग्नेटिक सर्किट में मैं एयर गैप डाल दूं, अब एयर गैप कहां होता है मैग्नेटिक सर्किट? ऐसे मैग्नेटिक सर्किट जिनमें फ्लक्स फ्लो हो रहा हो, फ्लक्स अपना क्लोज लूप बना रहा है लेकिन उनके बीच में एयर होती है, आपको कुछ पता है क्या? कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल है क्या, बता सकते हो क्या? मोटर, मोटर जैसे डीसी मोटर है, ये रोटर है आयरन का, ये यहां पे इसका पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये क्या आपका इधर आपका साउथ पोल, ठीक है। देखिए ये इसका राउटर है, ये बीच में एयर गैप है, सुनिए मैंने क्या किया, ये पोल है, इनको बोलते हैं पोल, ठीक है। इन पोल के ऊपर मैंने ऐसे एंटेनास लगा रखे हैं, वही ये देखो जो जैसे वायर यहां पे खत्म हुआ वही आगे आगे मैंने लगा दिया, उल्टा नहीं कर दिया, ठीक है। नहीं ठीक है, ये ओरिएंटेशन आएगी ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आज इस तरह क्या बता है, ठीक है। तो जरा देखो करंट इधर से जा रहा है, इधर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैंने क्या किया इसमें पॉजिटिव दिया इसमें नेगेटिव दिया, डीसी सप्लाई दी, तो डीसी सप्लाई दूंगा करंट आएगा, इसमें करंट कैसे जाएगा, करंट कैसे जाएगा, जरा देखते कौन सा नॉर्थ बनेगा कौन सा साउथ बनेगा, ये देखते हैं, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया होगा, ठीक है। जरा देखते करंट कैसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, है ना, आगे से देखो ना करंट कैसे जा रहा है, आगे से किधर जा रहा है, पीछे, तो हाथ घुमाओ तो इधर से इधर आएगा फ्लक्स, इधर निकलेगा, क्या कहते हो इसका, ये कौन सा पोल बनेगा, ये कौन सा बनेगा, नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा, नॉर्थ कैसे बनेगा, बाहर एयर में देखते हैं एयर से फ्लक्स किधर आ रहा है, ये तो आयरन है, इधर आयरन देखो जैसे आयरन है, आयरन आप भूल गए लगता है, देखो मैंने बताया था जैसे ये ऐसे ट्रांस है, तो यहां पे फ्लक्स ऐसे आएगा, करंट अगर यहां से एंटर कर रहा है मान लीजिए, तो फ्लक्स ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है, इसका मतलब यहां से फ्लक्स निकलेगा, जरा देखो, तो जहां से फ्लक्स एयर में निकलता है, एयर की बात देखो, सिर्फ एयर की बात, जहां से फ्लक्स एयर में निकलता है वो क्या होता है नॉर्थ, और एयर से जहां पे एंटर करता है वो क्या होता है साउथ। अब जरा देखो यहां पे एयर ये बीच में थी, बीच में से इस आयरन कोर में एंटर कर रहा है, इस पॉइंट को क्यों देख रहे हो आप, ये तो आयरन के अंदर का पार्ट है, ये तो पूरा आयरन बॉडी है, ये पूरी आयरन बॉडी है, निकल दे इसको मत देखो, आप एयर को देखो, एयर यहां पे है, तो एयर से यहां से एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा साउथ, ये बनेगा साउथ, और ये क्या बनेगा, जरा देखो यहां पे फील्ड निकलेंगी ऐसे, यहां से फील्ड ऐसे निकलेंगी, इसका मतलब ये क्या बनेगा, एयर के अंदर जा रहा है, एयर के अंदर निकल रहा है, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये नॉर्थ, नहीं समझे भाई, आयरन से एयर में जब जाए, आयरन से एयर में जब जाएगा तो नॉर्थ बनेगा, और एयर से जब आयरन के अंदर आए तो क्या बनेगा साउथ। अब आप बताओ ये क्या बनेगा रोटर का, ये क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा, इसमें देखो जो फ्लक्स है वो ऐसे आएगा, इसमें ऐसे अंदर आएगा फ्लक्स, इसका मतलब एयर से किसमें आ रहा है, वो आयरन से कहां पे आ रहा है, एयर है ना बीच में, एयर से कहां पे आ रहा है, आयरन के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, एयर से आयरन के अंदर आए तो ये साउथ बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, समझ आया, समझ आया, इस तरह से हुआ, क्योंकि आयरन से एयर के अंदर जा रहा है फ्लक्स, आप समझे क्या, तो नॉर्थ बनेगा ये साउथ, और ये नॉर्थ है ये साउथ बनेगा, ठीक है, करेक्ट है, तभी तो इसको पकड़ के रखता है ये, आप बोलोगे पकड़ के क्या रखता है, ये तो घूमता है, अच्छा इस ये रोटर अभी फिलहाल इसके अंदर कोई करंट नहीं है, करंट नहीं होता तो चुंबक आयरन को पकड़ के नहीं रखती, अट्रैक्ट करके नहीं रखती आयरन को, इसका मतलब एक तरफ नॉर्थ है दूसरी तरफ आयरन में क्या होगा साउथ होगा, तभी तो उसको आयरन को अटैक कर दिया कोई चीज, ये आयरन है, इसको ये मत मानो कि ये रोटेट कर रहा है, इसको बस ये समझो कि आयरन का बस कोई रोटर रखा हुआ, आयरन का कोई सिलेंडर रखा हुआ, बस उसको अटैक करके रखेगा, नहीं समझे आप, समझ रहे नॉर्थ है तो साउथ क्यों बनेगा, जरा देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ,
इफ फ्लक्स इज लिविंग फ्रॉम आयरन टू एयर, आयरन से एयर में लीव कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो नॉर्थ पोल होगा, और अगर एयर से एंटर करके मैग्नेट पे आ रहा है, आयरन के अंदर आ रहा है, तो क्या बनेगा? साउथ पोल। अब जरा देखो यहां पे, यहां पे फ्लक्स आयरन से एयर के अंदर आ रहा है, बीच में एयर है, बीच में इंटरमीडिएट पार्ट एयर है, तो आयरन से एयर में आ रहा है, इसका क्या बनेगा? ये नॉर्थ बनेगा, आयरन से एयर में जब आता है तो नॉर्थ होता है, और फिर एयर से आयरन के अंदर आ रहा है, फिर इसका ये क्या बनेगा अंदर वाला? साउथ। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे आयरन से एयर के अंदर जा रहा है, रोटर से एयर के अंदर भाग रहा है, इसका ये क्या बनेगा? नॉर्थ। और फिर एयर से कहां पे जा रहा है? आयरन के अंदर जा रहा है, तो क्या बनेगा? ये साउथ। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है, करेक्ट है? तो इस तरह का, तो फिलहाल अच्छा, फिर ये देखो जो फ्लक्स यहां पे आएगा, अब उसको दो रास्ते नजर आएंगे, जो भी यहां पे टोटल फ्लक्स आएगा उसको दो रास्ते नजर आएंगे, बताओ कैसे? एक तो ये आयरन वाला क्लोज पाथ ऐसे बना ले, फ्लक्स ऑलवेज क्लोज पाथ फ्लो करता है, तो एक तो ये रास्ता है कि ऐसे आ जाए, आधा फ्लक्स ऐसे आ जाए, ठीक है, और आधा फ्लक्स ऐसे आ जाए, मतलब दो रास्ते ना, दोनों में बराबर रिलक्टेंस है, जैसे करंट होता था ना, करंट को जब दो पाथ नजर आते थे और दोनों में अगर बराबर बराबर रेजिस्टेंस होता था तो करंट क्या होता था? इक्वली डिवाइड होता था। ऐसे ही फ्लक्स भी होगा, इधर भी वही आयरन है, इधर भी उतना ही आयरन है, उतना ही रिलक्टेंस इधर है, उतना ही रिलक्टेंस इधर है, इसका मतलब क्या होगा? बराबर रिलक्टेंस नजर आ रहा है, तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इधर आएगा 5/2, इधर कितना आएगा? 5/2। समझा? और ये जो सर्किट है मैग्नेटिक सर्किट, जरा देखो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कौन से सर्किट में कर रहा है? मैग्नेट के थ्रू। देखो ना, बीच में देखो आयरन है, पहले यहां से आता पूरा आयरन है, फिर क्या? एयर, फिर आयरन, फिर एयर, फिर आयरन। इसका मतलब ये जो मैंने जो हेडिंग लिखवाई आपको टॉपिक की, वो क्या है? मैग्नेटिक सर्किट विद आयरन गैप, विद एयर गैप। तो एयर गैप ये है, ये चीज। और जरा देखिए, और सर्किट जरा देखते हैं जिनमें एयर गैप होता है, और उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करेंगे अभी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे वहां पे, ठीक है, उनको जरा देखते हैं। आप समझ आया एयर गैप कैसे आते हैं? कौन से सर्किट जो हम पढ़ने वाले जिनमें एयर गैप होता है, इनके ऊपर अभी कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो आगे हम यूज करेंगे, ठीक है? आप जरा देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है वो, ठीक है? और उनसे आपके कई कंसेप्ट क्लियर होंगे जो आगे हम यूज करेंगे उन कंसेप्ट, ठीक है? कुछ और मैग्नेटिक सर्किट देखिए, एक बार एक मेरे पास एक मैग्नेटिक सर्किट है, जरा देखिए। फ्लक्स आएगा, फिलहाल ये एक फ्लक्स फ्लो करेगा, ये मैं दिखा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं एयर में नहीं जा रहा, नेगलिजिबल फ्लक्स आ रहा है, ठीक है? तो फ्लक्स ऐसे आएगा और एयर से होता हुआ इस तरह से आएगा।
अब मान लीजिए जो आयरन की जो लेंथ है, जो कि एयर की लेंथ है, वो जी मान लो, ये जी मान, ठीक है, एयर गैप लेंथ मान लीजिए एल जी ले लो, एल जी, एल फॉर लेंथ, जी फॉर गैप, एल जी, ठीक है, एल जी, और जो आयरन की जो कोर की लेंथ है वो है एल सी, मीन लेंथ बता रहा हूं मैं, एल सी इज मीन लेंथ ऑफ आयरन कोर, आयरन कोर की जो मीन लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो मीन लेंथ है, क्यों भाई मीन लेंथ का क्या मतलब है, मीन क्यों ऐड किया मैंने, बिल्कुल आप देखो अगर बिल्कुल एज पे चल रहे हो आप तो लेंथ क्या बनेगी, छोटी, और बिल्कुल आउटर एज पे चल रहे हो तो बड़ी बनेगी, तो कौन सी लेंथ ले, इनर एज वाली लेंथ ले कि आउटर एज वाली लेंथ ले, तो फिर हमें क्या लेनी पड़ेगी, मीन लेंथ, मीन्स एल सी इज द मीन कोर लेंथ, ठीक है, आयरन की कोर लेंथ है, और एल जी क्या है, एयर गैप की कोर लेंथ, ठीक है भी? और आई मेरा करंट है, आई मेरा करंट है, तो आप मुझे सबसे पहले बताओ रिलक्टेंस ऑफ कोर क्या आएगा, कोर का रिलक्टेंस क्या आएगा, वो आएगा एल सी डिवाइड बाई म्यू सी, कोर की परमेबिलिटी जो भी होगी, इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी इसका एरिया आएगा, इसका जो भी एरिया होगा कोर का, कोर थोड़ी इस टाइप की है ना, थोड़ा उस टाइप की है, आप समझे क्या, इस टाइप है कोर थोड़ा, पर थ्री डी में देखो यार ये क्रॉस सेक्शन बनेगा ना इसका, ठीक है, एरिया उसमें से, तो वो आर सी आर, ठीक है, आर सी थ्री आर, रिलक्टेंस ऑफ कोर पता चल गया, अब रिलक्टेंस ऑफ गैप बताइए, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप आर जी, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप आर जी, ये बताइए क्या आएगा बता देना, एल जी मीन गैप लेंथ इज एल जी डिवाइड बाई यू जी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एयर मान के तरफ सेम एरिया है, हालांकि आप जरा देखिए एयर में क्या होगा, फ्लक्स सीधा नहीं शो करेगा, एयर में इस तरह का फ्लक्स आएगा, जरा देखिए इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, इस तरह का फ्लक्स आएगा एयर में इस तरह से, मतलब फ्लक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सराउंडिंग में से भी आएगा, जो गैप लेंथ है उसके सराउंडिंग से भी फ्लक्स एंटर करेगा, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, बट मैं फ्रिंजिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा, ठीक है, पूरी थ्योरी में नहीं लूंगा, ये है जी, ये क्यों होता है बताइए, आप बताइए फ्रिंजिंग इफेक्ट क्यों होता है, ये सराउंडिंग में क्यों निकलती है फील्ड लाइंस, बताओ भाई क्यों निकलती है, जैसे आप जब देखो जैसे कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर में अगर इनफाइनाइट सीट है तो फील्ड लाइंस क्या होती है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है इनफाइनाइट सीट पे रखा हुआ है तो फील्ड लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर निकलती है ना, ठीक है, ऑलवेज कंडक्टिंग सीट है कंडक्टर से तो क्या होती है फील्ड लाइंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर, अगर इनफाइनाइट सीट है तो हर जगह आपको क्या नजर आएगी, ऊपर की तरफ फील्ड लाइंस नजर आएगी, बट अगर मैं फाइनाइट कर दूं तो क्योंकि इस एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो चारों तरफ भेजेगा, नहीं समझे, अपनी फील्ड लाइन चारों तरफ भेजेगा, तो अगर कोई कैपेसिटर है एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या होगी फील्ड लाइंस, यहां पे तो ऐसी होंगी बट यहां पे ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ भेजेगा ना, नहीं समझे, इस तरफ की फील्ड लाइन भी होंगी इसमें, क्या कहते हो उनको, क्या बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, ऐसा भी वैसा सा कुछ इसमें भी होता है, ठीक है, इसलिए ये फ्रिंजिंग इफेक्ट पैदा होता है, लेकिन ये क्योंकि अपनी कैलकुलेशन को खराब कर देगा, मतलब हम पर पूरी तरह से कैलकुलेट कर, हमारी कुछ लिमिटेशंस है कैलकुलेशन की, इसलिए हम लोग इसको अफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट में कंसीडर नहीं करता, ठीक है, तो आप बताइए एयर गैप का लेंथ क्या आएगा, एल जी डिवाइड बाई अब म्यू जी, म्यू म्यू क्या होता है एयर गैप का, म्यू नो एयर क्या, म्यू आर क्या होता है, वन, एयर का म्यू आर वन होता है, इसका मतलब म्यू जी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, और एयर का म्यू आर क्या होता है वन, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एल जी डिवाइड बाई म्यू नॉट इनटू ए, तो दिस इज द रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, दिस इज द रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, अब सुनिए मुझे बताइए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस, अब रिलक्टेंस क्या हुआ, फ्लक्स को नेट रिलक्टेंस क्या नजर आएगा, सीरीज में है देखो बैक टू बैक कनेक्ट है ना, एक रिलक्टेंस तो यहां से यहां तक का है और उसके बाद सीरीज में, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में होता है ना भाई, जैसे करंट सेम वही करंट जा रहा है दोनों रिलक्टेंस में, अब दो रेजिस्टेंस में जब सेम करंट होता है तो दो रेजिस्टेंस किसमें होते हैं, सीरीज में, एग्जैक्टली दो रिलक्टेंस में अगर सेम फ्लक्स जा रहा है वही फ्लक्स, तो इसका मतलब दोनों रिलक्टेंस किसमें है, सीरीज में, तो नेट रिलक्टेंस क्या आएगा दोनों का एड करके, तो फ्लक्स बताओ क्या आएगा, फ्लक्स इज एन आई बाई बताइए क्या आएगा, आर सी प्लस आर जी, एन आई बाई आर सी प्लस आर जी, ये आपका क्या होगा एम एम, ठीक है भाई, अब जरा देखिए एन आई की वैल्यू निकालिए यहां से, एन इंटू आई इज, एन इंटू आई इज फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस आर सी प्लस फ्लक्स इंटू आर जी,
आर भाई ये वाला आर नहीं है, आर मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप से मैंने लिखा है उसको, रिलक्टेंस है। अब सुनिए भाई, एनआई क्या होता है? एमएमएफ। ये है एमएमएफ, इसे पढ़िए। ये क्या चीज है? ये भी एमएमएफ ही है, बट इसको मैं लिख सकता हूं एच सी इंटू एल सी। क्यों भाई? आप बता, ये सही लिखा है इसको? इस ये तो एमएमएफ पर क्या, नेट एमएमएफ एल इंटू आई, तो नेट एमएमएफ जितना पैदा होगा। अब ये जो नेट एमएमएफ है, ये जरा देखो, इस ये एमएमएफ जो टोटल वोल्टेज पैदा हुई है वो वोल्टेज ड्रॉप होती है, एक आर वन में ड्रॉप होती है, एक आर टू में ड्रॉप होती है, जो टोटल ईएमएफ होती है। ऐसे ही एक्जैक्टली ऐसे ही एमएमएफ भी क्या होगा? ड्रॉप होगा। कौन सा एक, तो कौन से पाथ में ड्रॉप होगा? आयरन वाले पाथ में ड्रॉप हो जाएगा, और एक कौन से पाथ में ड्रॉप होगा? एयर गैप वाले पाथ में ड्रॉप होगा। ठीक है, आप बताइए, जैसे दो रेजिस्टेंस आप देखो ना, जैसे ये ईएमएफ है और दो रेजिस्टेंस है, एक आर वन है और एक आर टू है, तो जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है कुछ इसमें होता है कुछ इसमें होता है, एक्जैक्टली जो एमएमएफ है वो भी दो दो में ड्रॉप होगा, एक तो आर वन में चला जाएगा और एक आरसी में चला जाएगा और एक आरसी में। तो आरसी में कितना एमएमएफ आएगा? एचसी। एचसी का मतलब है एमएमएफ क्या होता है? एच, एच क्या होता था? एच याद है, एनआई बाय एल। तो आयरन कोर का एचसी क्या है? आयरन कोर में जो इंटेंसिटी है वो एचसी है, और आयरन कोर की लेंथ कितनी है? एलसी। तो ये बेसिकली क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एमएमएफ, जो टोटल एमएमएफ है उसका वो पार्ट जो कहां पे यूज हुआ है, आयरन कोर। ठीक है, ये वो एमएमएफ है। प्लस ये क्या है? ये है एचजी इंटू एलजी, एचजी इंटू एलजी। मतलब जो टोटल एमएमएफ पैदा हुआ है उसका कुछ पार्ट आयरन के अंदर फ्लक्स पैदा करने में यूज होता है, और उसका कुछ पार्ट एयर के अंदर फ्लक्स पैदा करने में यूज होता है। जो टोटल एमएमएफ मेरे पास आया है उसका कुछ पार्ट, जैसे यहाँ पे देखो टोटल ईएमएफ जो होता है वो कुछ पार्ट तो यहाँ पे होता है इसके अक्रॉस होता है, कुछ पार्ट इसके अक्रॉस होता है। एक्जैक्टली यहाँ पे जो टोटल एमएमएफ है वो कुछ पार्ट तो उसका आयरन का जो रिलक्टेंस है वहां पे ड्रॉप हो गया, और कुछ एमएमएफ कहाँ पे ड्रॉप हो गया? एयर गैप में ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो टोटल एमएमएफ आ रहा है उसका कितना पार्ट आयरन में यूज होगा और कितना पार्ट एयर गैप में यूज होगा। ठीक है, चलिए वो देखो, उससे हमारे पास एक नई थ्योरी बनेगी। ठीक है, वो फिर आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे जो मोटर में जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि मोटर में तो एयर गैप होता है, ट्रांसफर एयर गैप होता ही। ठीक है, तो मोटर में हम ये थ्योरी फिर यूज करेंगे आगे, तो आपको इसलिए मैं पहले समझा रहा हूँ ये चीज। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या आएगा, एच सी इंटू एल सी, दिस इज एमएमएफ यूज्ड फॉर फ्लक्स प्रोडक्शन इन कोर, दिस इज एमएमएफ यूज्ड फॉर फ्लक्स प्रोडक्शन इन एयर गैप। ये टोटल एमएमएफ है, टोटल एमएमएफ का कुछ पार्ट तो एयर गैप में फ्लक्स प्रोड्यूस करने में चला गया, और कुछ पार्ट किसने खा लिया? आयरन कोर ने खा लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं एचसी और एचजी पे। एचसी जरा देखिए, या फिर आप बीसी देखो, बीसी क्या होता है बराबर? बीसी इज इक्वल टू जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो दोनों में सेम है, फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया ऑफ द कोर। तो बीसी भी क्या आएगा? वही फ्लक्स तो सेम ही है, जो फ्लक्स इसमें आ रहा है वही फ्लक्स इसमें है, और प्रोसेसिंग एरिया इसका भी कितना है? सेम वही लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बीजी और बीसी क्या है? बीजी एसी इज इक्वल टू एजी है। तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स डेंसिटी इन कोर इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, बिकॉज मैं फ्रिंजिंग इफेक्ट नेग्लेक्ट कर रहा हूं, और मैं मान के चल रहा हूं कि एयर प्रोसेसिंग एरिया उतने का उतना है। अगर फ्रिंजिंग इफेक्ट नेग्लेक्ट ना करता तो जो इफेक्टिव प्रोसेसिंग एरिया होता जिस वजह से फील्ड लाइन निकल रही है वो क्या होता था? वो बढ़ जाता। तो फील्ड लाइन क्या होती, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती, उससे कम हो जाती, समझ आया? तो प्रैक्टिकली कम होगी फील्ड लाइन्स, बट मैं जो कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं उसमें मैं ये कंसेप्ट नहीं लूंगा। आपको समझ आया क्यों कम होगी? मैंने बोला कि जब आप एयर गैप लेते हो, जैसे ये एयर गैप है, यहां पे देखो ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके बीच में एयर गैप है, तो एयर गैप होने की वजह से जो फील्ड लाइन्स आएंगी वो डायरेक्टली आएंगी, थोड़ा ऊपर उठ के भी आएंगी, सराउंडिंग में भी आएगी, तो उससे क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा, जिस एरिया में से फील्ड लाइन्स आ रही है वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, और फ्लक्स है, फ्लक्स तो उतरेगा उतरेगा, जितना यहां से निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहां आगे जाएगी, थोड़ी देर बीच में पैदा हो जाएगी, फ्लक्स इज कंजर्व, जितनी यहां पर फील्ड लाइन होगी उतनी आगे जाएंगी, रिजल्ट इज इसका मतलब क्या होगा, जो यहां पर फील्ड लाइन आएंगी वही आगे जाएगी, तो यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स तो उतनी की उतनी है, बट अफेक्टिव एरिया क्या होगा, फ्रिंजिंग की वजह से
बढ़ गया तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम घनापन कम हो जाएगा। लेकिन मैं पहले अज्यूम करके चल रहा हूँ कि फ्रिंजिंग इज नेग्लेक्टेड, फ्रिंजिंग नेग्लेक्टेड अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी क्या रहेगा उतना ही। तो इसका मतलब जो फ्लक्स डेंसिटी है जो आयरन में है वही किस में मैं मान रहा हूँ क्लियर गैप, बिकॉज एसी और एजी बराबर है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का बराबर है और फ्लक्स तो दोनों का है ही सेम, तो फ्लक्स डेंसिटी सेम आएगा। अब एचसी और एचजी क्या सेम आएगी क्या, तो नहीं आएगी। एचसी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यू सी इनटू बीसी, एच इज इक्वल टू नहीं और आपका एचजी क्या होगा बीजी बाई म्यू नोट, बीजी बाई म्यू नोट, समझ आएगा। अब जरा देखो, अब ये इंटरेस्टिंग बनता है यहां पर, एच सी ज्यादा है कि एच जी ज्यादा है, बीसी और बीजी तो दोनों सेम है, बीसी और बीजी तो दोनों सेम है, म्यू सी ज्यादा है कि म्यू नोट ज्यादा है, पर इवन इससे 10,000 टाइम ज्यादा है, बिकॉज ये एयर है, एयर से कितना टाइम ज्यादा होता है आयरन का, 1000 टू 10,000 टाइम ज्यादा होता है, 10,000 टाइम ज्यादा ही, तो इसका मतलब एचसी क्या होगा 10,000 टाइम्स हो जाएगा कम हो जाएगा, इट मींस एचसी इज लेस देन एचजी, एचसी इज मच मच लेस देन एचजी। इंटेंसिटी जो होगी, तीखापन जो होगा फ्लक्स लाइंस का, इनके अंदर आयरन के अंदर कम होगा किसके कंपैरिजन में, आपका एयर गैप के कंपैरिजन। ठीक है भाई, आप एक क्वेश्चन लिखिए, अब इनको कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं और फिर हम न्यूमेरिकली चेक करेंगे कि जो हमारा एमएमएफ है वो मैक्सिमम जो टोटल एमएमएफ आया वो कहां पे खर्च हुआ, जैसे ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ कहां खर्च हुआ। जैसे देखो आप मुझे एक बात, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए मैं बोलिए 10 वोल्ट है, सुनिए भाई ये 10 वोल्ट है और एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1 ओम और एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 9 ओम, आप बताओ जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कहां पे खर्च होगा, 9 ओम के अक्रॉस। इसका मतलब जो ये एमएमएफ टोटल पैदा हुआ है वो मैक्सिमम एमएमएफ तो इस फ्लक्स को पैदा करने में खर्च हो गया, समझ आया। जो मैक्सिमम एमएमएफ है वो कहां पे यूज हुआ है, यहां एयर गैप, एयर गैप ने सबसे ज्यादा फ्लक्स को यूज किया क्योंकि उसका जो रिलेक्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, समझे। तो जितना एमएमएफ पैदा होगा उसका मैक्सिमम पार्ट कौन ले लेगा, एयर गैप। मैं ऐसा अज्यूम भी कर सकता हूं कि जो नेट एमएमएफ ये आया है वो अप्रोक्सीमेटली सारा का सारा इस फ्लक्स को पैदा करता है, इसका मतलब नेट फ्लक्स नेट रिलक्टेंस जीरो हो जाएगा तकरीबन, क्योंकि इसकी परमिटिविटी वेरी हाई है तो रिलक्टेंस इसका क्या हो जाएगा तकरीबन क्या हो जाएगा, जीरो, रिलक्टेंस जीरो हो गया। तो जो एनआई होगा वो कौन से किसके बराबर होगा, सिर्फ एचजी इनटू एलजी के बराबर। इसका मतलब कहां पे यूज होगा ये एनआई, ये फ्लक्स पैदा करने में यूज होगा, समझ आया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आपको समझ आएगा जो टोटल एमएमएफ पैदा होता है वो कहां पे यूज होता है। एमएमएफ का जैसे ईएमएफ यूज होता है ना, ईएमएफ करंट पैदा करने में यूज होता है, बिल्कुल एनालॉगस है, क्यों का यू करंट और रेजिस्टेंस में बिल्कुल यू का, वहां पे ईएमएफ था यहां पे क्या है एमएमएफ, वहां पे रेजिस्टेंस था यहां पे क्या है रिलक्टेंस, ठीक है। वहां पे रेजिस्टेंस लो होता था हाई कंडक्टिविटी के लिए, यहां पे रिलक्टेंस लो है हाई परमिएबिलिटी के लिए। देखो जी एक ही चीज है, सब कुछ पैरेलल है, ठीक है। चलिए जरा देखिए, एक एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, आप लिखिए वो फिगर। अब इस क्वेश्चन से एक थ्योरी समझ आएगी आपको, स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है,
n टर्न्स हैं और करंट है आपका i, ठीक है, और ये आपकी पाथ लेंथ है, मीन पाथ लेंथ, ये मीन पाथ है, या आप कह सकते हो मेन पाथ है, मेन पाथ, मेन कह सकते मीन लेंथ, मीन लेंथ ये डिसाइड करेगा, ठीक है, और ये गैप दे रखा आपको, गैप की लेंथ मैं बताऊंगा आपको, एयर गैप, ये एयर गैप है, ठीक है, जरा लिखिए भाई, और ये मीन पाथ है, मीन पाथ, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, ये एक्चुअल में रिले है, इसके आगे यहां पे दो कॉन्टेक्ट पॉइंट लगे हुए हैं और ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, मतलब क्या होगा एक्चुअल में, जैसे आप इसमें करंट लोगे क्या होगा, सुनो, करंट लोगे क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, अट्रैक्ट होता है, ये आगे सरकेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, इसका मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और ये है 11000 वोल्ट पे, तो 11000 वोल्ट का स्विच है, एक तरह से आगे कोई दूसरी लाइन है, ये इंसुलेटर से लगा हुआ है, ये बीच में इंसुलेटर है, ये पॉइंट इससे कनेक्ट करना है मुझे, तो कैसे कनेक्ट करूंगा, रिले से, इसमें करंट दूंगा हल्का सा, ये हल्का सा करंट इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये आगे सरकेगा तो ये आयरन से दोनों टच हो जाएंगे, और ये आयरन यहां से ये टच हो जाएगा, यहां से ये टच हो जाएगा, तो कनेक्शन ही बन जाएगा आगे, इसका मतलब हम लो करंट से हाई को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये रिले होती है ऐसे, इनको रिले बोलते हैं, जो आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे, ठीक है, ये रिले, अब तो सारे इलेक्ट्रिकल वाले बैठे ना यहाँ पे, तो मैं थोड़ा ये पावर सिस्टम की टर्म्स यूज कर सकता हूँ ना, इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं थोड़ा सा समझ बोलना पड़ता है कि भाई उनको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, ठीक है, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, The coil has 500 turns. इसकी वैल्यू दे रखी है 500. The coil has 500 turns. And mean core path length, mean core length LC is equal to mean core length आपको दे रखी है. LC is equal to 360 mm. Mean core length, core path की लंबाई है. Mean जो core के अंदर है. यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. Mean core length है ये. ठीक है? ये air gap की नहीं है. Mean core path is 360 mm and the air gap lengths are 1.5 mm each. ये gap जो दे रखा है ये 1.5 mm ये 1.5 mm ये, ठीक है, 1.5 mm, ठीक है भाई, each. A flux density of 0.8 tesla is required. आपको flux density B चाहिए, कितने tesla की, 0.8 tesla की. A flux density B of 0.8 Tesla is required to actuate the relay. And the core is cast steel. और cast steel की ये दे रखा है आपको. आपको एक plot भी दे रखा है cast steel का. ये cast steel है. और उसमें दे रखा है कि 0.8 B के लिए जो X है आपका वो दे रखा है अभी. 0.8 B के लिए X दे रखा है. 0.8 B है यहाँ पे. उसके लिए जो H है वो आपको दे रखा है 510 एम्पियर टर्न्स बाय पर मीटर. एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर. H की यूनिट क्या होगी, N into I by L. तो N is now टर्न्स, I is एम्पियर, L is मीटर. एम्पियर टर्न्स पर लेंथ पर मीटर, ठीक है, तो 510 दे रखा है. 0.8 के कोरिस्पोंडिंग जो आपका एच है वो यहाँ पे है, 510 पे है, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है कास्ट स्टील, ठीक है. अच्छा, तो ये तो स्टेटमेंट थी. फाइंड द करंट इन द क्वाइल, आपको बता रहे कि क्वाइल में क्या करंट आएगा, आपको बताना है कितना करंट आएगा क्वाइल में, सो दैट आपका ये 0.8 भी इसके अंदर आ जाए, आपको बताना है करंट कितना फ्लो करेगा. समझ आया क्वेश्चन, आप कीजिए, ठीक है. 0.8 बी दे रखा है, एच दे रखा है 510. आप बताइएगा कि क्या कितना करंट आपको रिक्वायर्ड है, सो दैट ये 0.8 बी आ जाए तो अपने आप इसको अट्रैक्ट कर ले और रिले एक्चुएट हो जाए. बताइए, तो ये इंजीनियरिंग है, इससे आपको पता चल जाएगी कितना करंट कंट्रोल कर लेगा मेरे स्विच को. इसलिए हम फिर डिजाइन करते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से करें भाई.
करवाऊं क्या? करो जरा, देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। आपको पहले तो क्या निकालना है, सुनो, आपको पहले रिलक्टेंस निकालना है, इसका क्या होगा और एयर गैप का क्या होगा, और टोटल सीरीज रिलक्टेंस देखो कितना होगा, टोटल रिलक्टेंस, ठीक है, टोटल रिलक्टेंस दे लिया, उसके बाद म्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले म्यू कैसे निकलेगा बताओ, यहाँ से म्यू पता जाएगा कोर का, और एयर का तो पता ही है क्या होता है, म्यू नोट, वो तो उसकी वैल्यू पता होती है, म्यू नोट इज 4/10⁻¹, ठीक है। करे भाई जल्दी करे, या म्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी आसान हो जाएगा। करो एमएमएफ से निकलाएगा, एच से निकलाएगा, एच सी इंटरनल से निकलाएगा, टोटल एमएमएफ जो है वो कहाँ यूज होगा, टोटल एमएमएफ 500 इंटू आई इज इक्वल टू एच सी इंटू एल सी प्लस एच जी इंटू एल जी। अब एच सी क्या होगा, एच सी ये दे रखा है 510, तो ये तो कर दो 510 इंटू एल सी क्या है, मीन लेंथ कितनी है कोर की, 360 mm, 360 into 10 bar minus 3. Hg बताओ क्या आएगा? Hg is 0.8 divided by mu note. क्यों भाई? क्योंकि समझे, और लेंथ क्या है कोर की, कोर की लेंथ है 1.5 mm, लेकिन 2 टाइम्स करेंगे, क्यों, क्योंकि दो जगह यूज हो रखा है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये आ जाएगा। म्यू नोट की वैल्यू अपने को पता है, आई की वैल्यू निकाली है यहाँ से, आसान नहीं है क्या, नहीं समझे क्या, फिर समझाता हूँ, एक बार आप खुद ट्राई करो, एक बार इसे एक्सप्लेन करो, मैंने थोड़ा हिंट दिया है, एक बार आप ट्राई करें, दो तरीके से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, एटलीस्ट दो तरीके से आपको पता होना चाहिए, आप ट्राई करो। करंट आप फाइंड कीजिए कि कितना करंट मैं इसमें दूं कि इसको रिले को एक्चुएट कर देगी, नहीं समझ आया, करें जरा, चलिए भाई किसी का आंसर आया, टू टाइम्स ऑफ
1.5 into 10 is what? Minus 3. बताओ कितना आया? 4.1. I is equal to 4.1 into 1 is 2. 4.2. ठीक है? लेकिन मुझे ये अलग-अलग बताओ. मुझे इनकी वैल्यू भी चाहिए अलग-अलग. ये इंटरेस्टिंग बनेगा. इसकी वैल्यू अलग से बताओ क्या आएगी? 183.6 एम्पियर टर्न्स पर मीटर. ये एमएम है इतना एम्पियर टर्न्स नहीं एम्पियर टर्न्स अभी तो ये एम्पियर टर्न्स. दूसरा बताओ जरा दूसरे की वैल्यू क्या आएगी बताओ. 1909.8. ये दो वैल्यू अलग अलग आ रही. इसका मतलब सुनिए यहां से क्या नजर आ रहा है मुझे. जो टोटल एमएमएफ था टोटल एमएमएफ कितना आया था 500 इनटू करंट कितना आया था 4.2. टोटल एमएमएफ कितना आया इन दोनों जोड़ दिया था डायरेक्टली. टोटल एमएमएफ कितना है बताओ 2100. टोटल एमएमएफ है 2100. उसका मैक्सिमम पार्ट कहां यूज हुआ? एयर गैस. उसका मैक्सिमम इसका मतलब जो चुंबक यहां पे आप पैदा कर रहे हो जो टोटल एमएमएफ जो रिस्पांसिबल है चुंबक पैदा करने के लिए उसका मैक्सिमम पार्ट कहां खर्च होगा? एयर गैप में सबसे ज्यादा खर्च होता है. नेट एमएमएफ जो है एयर गैप में ज्यादा खर्च होता है. ठीक है? इसका मतलब जितनी ज्यादा एयर गैप होगी उतना फ्लक्स कम आएगा. मैं बताऊंगा. चलिए छोड़िए फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि क्या होगा. फिलहाल आप बस इतना याद रखिए ये जो टोटल एमएमएफ जो है ये इसका मैक्सिमम कहां पे ये खर्च हुआ एयर गैप में खर्च हुआ. मतलब एयर गैप रेस्पॉन्सिबल है इस एमएमएफ के लिए. एयर गैप रेस्पॉन्सिबल. अगर ये एयर गैप ना होता तो बताओ. एयर गैप ना होता तो बताओ. अगर ये बिल्कुल आगे आ जाता अगर कोई एयर गैप ना होता फिर बताओ एमएमएफ कितना होता. फिर करंट क्या होता. फिर करंट क्या लेगा. शुरू में इतना करंट लेगा 4.2. अगर ये बिल्कुल अटैक हो चुका होता फिर क्या करंट लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. इफ द एयर गैप इज डिक्रीज टू जीरो व्हाट विल बी द करंट. अगर एयर गैप जीरो हो जाता मान लीजिए अटैक हो चुका होता फिर क्या करंट होता. फिर क्या करंट होता इसके अंदर. एक मिनट देखते हैं आप निकालो. सब लोग निकालिए भाई. अगर ये एयर गैप खत्म हो जाता तो मीन लेंथ कितनी बनती. फिर तो ये वाला पार्ट आता ही ना. ये वाला पार्ट आता नहीं बस ये वाला पार्ट आता. आई निकालते हैं कितना आएगा 0.36. देखो कितना कम करंट आया 0.36 एम्पीयर. अब इसको एक क्वेश्चन मत लो इसको कंसेप्ट उठाओ. कंसेप्ट क्या कर रहा है. एयर गैप आपने डाल दी. एयर गैप के लिए अगर आप सेम बीच आते हो 0.8 का बीच आते हो और अगर बीच में एयर गैप है तो आपको करंट ज्यादा देना पड़ेगा. लेकिन अगर एयर गैप नहीं है सेम बी के लिए उतना ही बीच चाहिए आपको करंट क्या देना पड़ेगा. कम देना पड़ेगा. कम करंट देना पड़ेगा. इसका मतलब एयर गैप बड़ी खतरनाक चीज है. एयर गैप की वजह से उतना ही फ्लक्स पैदा करने के लिए मुझे क्या देना पड़ता है. ज्यादा करंट देना पड़ता है. ठीक है. जैसे देखिए ट्रांसफॉर्मर है. ट्रांसफॉर्मर में मेरी कोर ऐसे थी. जरा सुनिएगा. अब आप आगे पढ़ोगे ये चीज मैं थोड़ा बता देता हूँ कहाँ पे पढ़ने वाले हो आप ये चीज. ठीक है. ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा हुआ. मुझे फ्लक्स पैदा करने के लिए एक करंट चाहिए. उसको बोलते हैं आईई एक्साइटिंग करंट. ठीक है. जो फ्लक्स पैदा करने के लिए चाहिए वो करंट है आईई. ठीक है. वो सिर्फ फ्लक्स पैदा करेगा. लोड तो लगाई नहीं है तो लोड नहीं लगाया तो सिर्फ फ्लक्स ही पैदा होगा इसके अंदर. लोड तो कुछ होगा नहीं. करंट तो आएगा नहीं सेकेंडरी साइड क्योंकि लोड तो फ्लो हो नहीं. कोई लोड तो लगा नहीं है तो इस फ्लक्स को पैदा करने के लिए करंट चाहिए. अब मान लीजिए मैंने एयर कोर को काट दिया बीच में एयर डाल दी. सेम फ्लक्स पैदा करने के लिए मुझे कितना क्या होगा. एक्साइटिंग करंट बढ़ेगा कि कम होगा. बढ़ेगा. समझ आया. पता चला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. ठीक है. ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है. इसकी एक थ्योरी है. इसके पीछे एक थ्योरी है. आप उसको समझिए. और जो मैक्सिमम एमएमएफ यहां पे पैदा हुआ है वो मैक्सिमम कहां यूज हुआ है. अगर एयर गैप है तो एयर गैप यूज है. जैसे कि मोटर में आप मोटर में पढ़ोगे कि जो हम मोटर में नॉर्थ और साउथ बनाते हैं. डीसी मोटर है. डीसी मोटर में हम नॉर्थ और साउथ बनाते हैं. बाहर से वो लपेट के टर्न्स लपेट के एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है. अभी तो डायग्राम बनाया था मैंने तो उसमें जब नॉर्थ और साउथ पोल से नंबर ऑफ टर्न्स लपेटी उससे जो एमएमएफ आएगा वो मैक्सिमम कहां यूज होगा. जो एयर गैप है पोल के साइड में वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है. उस एयर गैप में फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए वो एमएमएफ यूज हुआ है. आयरन तो कोई फ्लक्स मांगता ही नहीं. आयरन तो कोई एमएमएफ चाहिए नहीं क्योंकि आयरन को बहुत ही कम एमएमएफ की जरूरत है. बिकॉज आयरन का एचसी जो होता है बहुत कम होता है. आयरन का एचसी जो होगा कम होगा. जबकि इसका एचसी देखो एयर गैप का एचसी क्या आएगा
टेंशन माइनस साइन नीचे ऊपर आ गया हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा नहीं, तो इसमें एच सी ज्यादा करना पड़ता है, इसमें एच सी बहुत कम होता है, इसलिए इसको एमएमएफ कम चाहिए, आयन को कम एमएमएफ चाहिए, समझे आप? नेग्लेजिबल आप ये भी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेशन हम लेके चलेंगे आगे, आगे हम अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे कि आयरन है तो आयरन में तो कोई एमएमएफ चाहिए नहीं, जो एमएमएफ आपने दिया वो सारा का यूज हो गया, क्लियर गैप है, आगे हम यूज करेंगे मोटर वगैरह, ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हम यूज करेंगे जब आपको टॉर्क का फॉर्मूला मैं डिराइव करवाऊंगा, तो टॉर्क फॉर्मूले में इसका कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है, मोटर में कितना टॉर्क आता है, तो टॉर्क बेसिकली इसी से निकलेगा, कितना एयर गैप में कितना एमएमएफ आया, ठीक है, क्योंकि एयर की वजह से ही पावर ट्रांसफर होती है, तो वही पावर रेस्पॉन्सिबल होती है टॉर्क के लिए, रोटर को घुमाने के लिए, समझा? तो वहां पे यूज होगा, तो आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट पार्ट लिखिए इसी क्वेश्चन का, तो पहला तो मैंने बताया था कि कितनी ये होगी इसमें, ठीक है, तो आप ये एक नोट करके लिखना, एक पॉइंट, एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, नोट दैट ऑलमोस्ट द एयर गैप इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द कोर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में लिखवा रहा हूं, नोट दैट, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट दैट The air gap length is very small compared to length of the cord. Compared to the length of the cord, note that the air gap is very small compared to the length of the cord. Most of the MMF is used at the air gap. Most of the MMF is used at the air gap.